ये देखिए बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब, सिंगापुर बिल्डिंग एंड द लंदन ब्रिज। अरे गांधी जी के साथ सेल्फी लेने, गांधी जी स्माइल। ये म्यूजियम, ये देखिए गांधी जी, गांधी जी के खून से सनी हुई धोती। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, दिस इज आयुष। आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो हम अभी तमिलनाडु के मदुरई डिस्ट्रिक्ट में और आए हैं गांधी जी का म्यूजियम देखने। ये गांधी जी का 5 म्यूजियम में से एक है, एकदम वाइट दिख रहा है और यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं गांधी जी के बारे में बताई गई हैं। किन लोगों से मिले थे, क्या क्या कपड़े हैं उनके, और जहाँ उनको गोली मारी गई थी और जो वस्त्र पहने थे, जो धोती पहने थे, जो उसमें पूरा खून से सनी हुई है, सब है यहाँ पे। और ये देख लीजिए गांधी जी के बारे में, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ट्रुथ, नॉन वायलेंस, स्वदेशी रही है, फिजिकल लेबर, रिमूव ऑफ, फियरलेस, सब ये गांधी जी की कही गई बातें हैं। और ये यहाँ पर भी है गांधी जी का म्यूज़ियम, बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। थोड़ा फ्लैग और बड़ा होता तो और प्यारा दिखता, दिखने में फ्लैग छोटा है। ये म्यूज़ियम, ये देखिए गांधी जी। और इस म्यूज़ियम को 1959 में बनाया गया था और अभी यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, थोड़ा जो पेंटिंग से ख़राब हो चुकी हैं। और म्यूज़ियम में अब यहाँ से एंट्री करेंगे। अब इसके बारे में नहीं पता है कि अंदर फ़ोन अलाउ होगा कि नहीं, अगर अलाउ होगा तो अच्छी अच्छी वीडियो दिखाएंगे आप लोगों को और क्या क्या चीज़ें अंदर वो भी दिखाएंगे, अगर अलाउ नहीं होगा तो नहीं दिखा पाएंगे। अभी यहाँ पे चलेंगे गांधी जी के साथ, एक सेल्फी ले लिया जाए। अरे गांधी जी के साथ सेल्फी लेने, गांधी जी स्माइल। और यहाँ पे कोई टिकट चार्ज नहीं है और सुबह 10 बजे से 1 बजे तक खुला रहता है, उसके बाद 2 बजे से 5:30 बजे तक ओपन रहता है। अब यहाँ से एंट्री करेंगे हम, यहाँ से चलेंगे ऊपर, कुछ ऐसी सीढ़ियाँ हैं। और वो देखिए गांधी जी, अगर आप कन्याकुमारी का गांधी मंडपम का वीडियो नहीं देखे तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। गांधी जी लास्ट केस अक्टूबर 1910। और रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा जो गांधी जी से बात किया गया था उसके बारे में है। और ये गांधी जी के खून से सनी हुई धोती इसमें रखा गया है, बस इसके लिए एक अलग रूम है और बहुत ही अंधेरा है, ठंडा है रूम। उनका अंतिम शब्द हे राम, अंतिम संस्कार, बापूजी गुजरे थे तो ऐसे थे, और इनका शव यात्रा और उनका तीर्थ स्थान है ये, और उनके सांस्कृतिक अवशेष इसमें खड़ा हुए चक्कू और जो भी चीज़ थे, चश्मे, लोटे। और गांधी जी कौन कौन सी किताबें पढ़ते थे, ये सब किताबें हैं। और ये रील्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स हैं। ये कस्तूरबा गांधी है, उनकी वाइफ, और उनका जब डेथ हुआ था तो बापूजी उनके अवशेषों के साथ हैं। कैसे कैसे हमारा तिरंगा बदलता गया ये देख लीजिए, और सन भी देख लीजिए। मस्त म्यूज़ियम में घूम लिए और बहुत ही प्यारा म्यूज़ियम है। और गांधी जी का जो धोती था उसमें अभी भी वो जो ब्लड्स हैं वो दिख रहे हैं, लेकिन थोड़े थोड़े कलर चेंज हो गया है। और अंधेरा भी था और बहुत ही प्यारा है। मैंने कुछ जगह वीडियो बनाने अलाउ नहीं था तो वहाँ नहीं बनाए हैं, जहाँ अलाउ था तहाँ मैंने बनाए हैं। और
अगर आप इस शहर में आते हैं तो ज़रूर विजिट कीजिए। और कुछ कुछ चीज़ें गांधी जी की यहाँ पे हैं और कुछ कुछ चीज़ें दूसरे म्यूज़ियम में है, वहाँ के लिए भी रखा गया है। यहाँ पे उनका धोती है और बहुत सी चीज़ें हैं। गांधी जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें कही थी, लेकिन उनका दो तीन बातें बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा लोग मानते भी हैं। ट्रूथ इज़ द गॉड और स्वदेशी, सत्य बोलिए और सत्य ही भगवान है और स्वदेशी रहिए, और ये अपने लिए गर्व की बात हो जाती है। तो विजिट कर लिए हैं, अब चल रहे हैं यहाँ से। और म्यूजियम के मैंने एक तो जो पिक्चर्स क्लिक किए हैं वो वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। और इंस्टाग्राम पे जल्दी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे अपडेट्स आते रहते हैं। बहुत बड़ा एग्जीबिशन लगा है, तो जा रहे हैं एग्जीबिशन में। और यहाँ पे इतना बड़ा कॉपीराइट आ जाएगा, ये हबीबी सॉन्ग बजा रहे हैं भैया लोग। यहाँ का फ्रंट गेट है, कुछ ऐसा एग्जीबिशन लगा हुआ है। चलिए एंट्री करते हैं अंदर। और 90 रुपीज़ का चार्ज लगा है। गाइस ये देखिए हम कहाँ पे आ गए हैं, ये देखिए बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब, सिंगापुर बिल्डिंग एंड द लंदन ब्रिज। यहाँ पे सब एग्जीबिशन लगा है और एक तरफ से मेला है, बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। और उधर देखिए झूला वूला सब लगा हुआ है। हम हैं अभी मदुरई में और मस्त एकदम एंजॉय कर रहे हैं। और ये बड़ा बड़ा पत्थरों का पोस्टर, रात बहुत मजा आएगा, सब कुछ देर में रात होने वाली है। तो 1, 2, 3 हाँ ये देखिए रात हो गया। ये बिस्किट से स्मोक आएगा, வாங்கடே ஸ்மோக் பிஸ்கட் வேற அப்போ வாங்க। வாவ் ஆல் இந்தியா ஃபுல்லா வாக்கிங் லே வந்துட்டு இருக்கானா। यहां पे देखिए इतने सारे प्रकार के अचार रखे गए हैं, यहाँ पे सब चीज़ के अचार हैं। आप पोस्टर पर देख लीजिए और पढ़ लीजिए किस किस चीज़ के अचार हैं। वाह भाई साहब इतने प्रकार के अचार होते हैं, मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये आपको जो शॉप दिख रहा है और ये जो मज़ेदार एक गेम है, इसमें 6 बॉल रखे हुए हैं और 6 बॉल को अगर यहाँ से आप यहाँ पे ऐसे थ्रो करेंगे और अगर नंबर 8 बनेगा, जैसे 2 2 2 2 करके 4 हो गया, या 1 1 करके, या 3 3 करके, अगर ऐसे 8 बन गया तो आपको यहाँ से मज़ेदार गिफ्ट मिलेगा। और हार गए तो 30 रुपये आपको देने पड़ेंगे। बहुत ही मज़ेदार गेम है। लेकिन पे देखिए बॉल थ्रो, बॉल थ्रो या मेरा इस वीडियो में पक्का कॉपीराइट आएगा। पीछे जो सॉन्ग्स बज रहे हैं एकदम चीर फाड़वा है। ओ बोलेगा या ओ बोलेगा। और ये देखिए मस्त एकदम चारों तरफ का नज़ारा देख के मज़ा आ गया। अब चल रहे हैं मीनाक्षी टेम्पल की तरफ, उधर ही रात को अपना टेंट पुट अप करेंगे। फिलहाल मैं इस ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।